is witnessing your trainer, your friend and your guide. Onwards you today once again with some new idioms, and these all idioms are based on a very popular food. Many of the times this is your favorite one also, and that is the apple. All these 10 idioms are based on this particular fruit. So let's enjoy the taste of the apple and let's enjoy all these idioms with different meanings. And of course, I know very, very well that you are going to update your language, and you are in the process of updating it day by day. So not to waste the time, please come with me and let's start. So in number one, the explanation I have written, the person that someone loves most of all and is very proud of. First of all, it's Hindi meaning. कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप दिल से प्यार करते हो, जिसका आप सम्मान करते हो और जिसपे आप गौरवान्वित होते हो, जिसपे आप गर्व महसूस करते हो. ऐसा इस दुनिया में हो सकता है कोई जिसे आप दिल से, सच्चे दिल से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करें? तो वो कौन होता है? वो आपकी आंखों का तारा होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कह सकते हैं एप्पल ऑफ वन्स आई. किसी की ही आंखों का तारा, जहां मैंने वन्स लिखा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं हिज से, हर से या माई से. कैसे? अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों का तारा है, तो मैं बोल सकती हूँ ही इज एप्पल ऑफ माई आई. अगर कोई और कहता है कि मैं उसकी आंखों का तारा हूँ, सपोज माई फादर से दैट मैं उनकी आंखों का तारा हूँ, या मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसी पर्सन हूँ जिसपे वो प्राउड फील करते हैं, सो ही मे से दैट शी इज, मीन्स एनी वन कैन से अबाउट हिम दैट शी इज एप्पल ऑफ हिज आई. ओके, एंड लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज एन इनफॉर्मल नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दैट वॉट इज न्यूयॉर्क और अबाउट दिस सिटी. ऑल ऑफ अस आर वेल नोन अबाउट दिस नेम. सो न्यूयॉर्क सिटी इज ऑल्सो नोन एज बिग एप्पल इन idiom. बिग एप्पल, लेकिन ये इसका इनफॉर्मल नेम है. फॉर्मल नेम न्यूयॉर्क ही है, लेकिन जब आप उसको इनफॉर्मली बोलते हो तो आप उसे बिग एप्पल कह सकते हैं. आई कैन से दैट माई फ्रेंड मनीषा इज फॉन्ड ऑफ विजिटिंग बिग एप्पल अगेन एंड अगेन. ओके, बिकॉज सिंस ही इज फॉन्ड ऑफ विजिटिंग देयर, सो शी इज फॉन्ड ऑफ दैट. ओके, शी लाइक्स दैट सिटी. उसको वो शहर बहुत पसंद है और उसे शौक है कि वहां वो जाए और बार बार जाए. ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. डिसकंटेंटेड, ट्रबल मेकिंग और डिसऑनेस्ट पर्सन. कोई एक ऐसा इंसान जो डिसकंटेंटेड है, मतलब कि डिससेटिस्फाइड है, ट्रबल मेकिंग है, जो हमेशा ही मुसीबतें खड़ी करता है, और डिसऑनेस्ट है, मतलब कि बेईमान है. ऐसा कोई इंसान है तो उसे हम idiom में, एक लाइन में, एक दो शब्दों में बोलना चाहते हैं तो हम उसे कह सकते हैं बैड एप्पल. मेनी ऑफ द पॉलिटिशियंस आर बैड एप्पल इन माई आईज. मेरी नजरों में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बैड एप्पल हैं, जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं. यू कैन कोट एनी अदर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू यू इन योर माइंड. ओके, सो नाउ समथिंग दैट कॉजेज अनहैप्पीनेस. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो हमारी ना खुशी का कारण होती है, जो हमें खुशी नहीं देती, जिसकी वजह से बार
बार बार हम ना खुश हो जाते हैं। तो ऐसी चीज को, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिसकॉर्ड, एप्पल ऑफ डिसकॉर्ड। आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल दैट नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन हिम एंड मी। शिक्षा को महत्व न देना एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है उनके और मेरे बीच में। उनके मतलब कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ जो शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, उनके बीच और मेरे बीच का ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस है। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजली इनहेरिटेड। बिल्कुल सच बात है, ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं। आप फिजिकली आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो, या बुआ या मासी कई बार पैटर्नल या मैटर्नल साइड से, तो फिजिकल ट्रांसफर तो होता है, साथ ही साथ आपका टैलेंट भी, लेगेसी पास ऑन होती है। आपका जो इनहेरिटेंस है, आपकी हेरिडेटरी दैट यूज टू पास ऑन, वो आपके पेरेंट्स का जैसा टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद होता है। इसे हम कह सकते हैं द एप्पल does not fall from the tree. The apple does not fall from the tree. It means that जो talent होता है वो यूं ही नहीं आ जाता है, वो तो inheritance होता है, वो parents के बाद वो अपने जो उनके अब siblings होते हैं उनमें वो transfer हो जाता है। For example, I can say that by watching the talent of Mallika Sarabhai, whose mother was Mrinalini Sarabhai, if you remember, great dancer and choreographer and the play artist. So I can quote you the example that by watching the performance of Mallika Sarabhai, we can say that the apple does not fall from the tree. Okay, and meanwhile, number 5, 1, 2, 3, 4, 5, this I have forgotten and I have explained you number 6 first. So, after this, I am going to explain number 5th one. This is of two different classes, not comparable. Of two different classes, not comparable. I can write apple and oranges. Apple and oranges. Can you compare all the qualities of apple with orange? Both the fruits are identical in their taste, in their, what I can say, what they give us like vitamins and all other things. Okay, their nutritional value and everything are different. We can't compare an apple with the orange. So if there are two kinds of person, अगर दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग profession में हैं, तो क्या उनको compare करना सही बात है? बिल्कुल नहीं. So we can say we cannot compare. The another example I can give you that comparing a teacher with a doctor or the life of a teacher with a doctor is apple and oranges. Okay, because you know what is the difference? The doctors who are the gods on the earth, their life is truly very hectic, and I have watched personally from very close. Really, they work hard for us, they dedicate their life, their families for us, and the teacher also do so. But there is difference, great difference between the profession of these two. So I can say the profession of a teacher or of a doctor are apple and oranges. We can't compare between these two. Okay,
Now, let's come to next explanation. This is, I have already explained you family characteristic. I have written over there. Now, please come to number 7. This is to disorganize or spoil something, especially an established organization or plant. Means, जानबूझ करके या हमने ध्यान नहीं दिया, हमने फोकस नहीं किया, हमने जानबूझ करके कुछ नहीं बनाई चीज को बर्बाद कर दिया। कोई चीज बहुत एस्टेब्लिश्ड था, बहुत अच्छे से रन हो रहा था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज एप्पल पाई। एप्पल पाई ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं इस इडियम को, मीन सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में होना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना। Something which was apple pie, arranged properly, working properly. So, उसको क्या कर देना? बिगाड़ देना, खत्म कर देना. Okay, it is known as upset the apple cart. Upset the apple cart. One example we can take. Suppose any XYZ company is there, any finance company is there, and what happened? A new finance director was there who was newly appointed by the board of the directors. He upset the cart of that company or of that plant or of that organization. Means the new finance director upset the cart. Okay, उन्होंने सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया, सब कुछ खत्म, कंपनी अब इनसॉल्वेंट होने को जा रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो नाउ एन एक्सप्रेशन ऑफन यूज्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एन एक्सप्रेशन ऑफन यूज्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड दिस इज वेरी वेरी common expression in our day-to-day life, and I'm sure you all would have listened it for hundreds of times. So what is this? This is an apple a day keeps doctor away. अगर हम हर रोज एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर्स हमसे दूर रहेंगे। ये हमारे मम्मी पापा बचपन से हमें सिखाते हैं, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हमारे टीचर्स भी बताते हैं, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मींस हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैल्यू को समझें, हम उनसे जो मिलने वाले विटामिन्स हैं उन सारी और डाइट्री फाइबर्स को समझें और उनकी इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे, हम तो हम बीमार नहीं होंगे, और हम बीमार नहीं होंगे देन वाई टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, सो दिस वाज द idiom फॉर दैट। नाउ माय नेक्स्ट एक्सप्रेशन ओवर हियर और द वर्ड ओवर हियर इज डायरिया। डायरिया यू ऑल नो वेरी वेल, इसको भी बताने की जरूरत है क्या? डायरिया, सो डायरिया के लिए जो idiom यूज होता है that is the apple quick steps, the apple quick steps। डायरिया अगर आप नहीं जानते, ये इलनेस एक बीमारी है जिसमें आपको लूज मोशंस होने लगते हैं frequently, I can quote you an example for that you are suggested not to drink the water from outside, you should carry your own bottle, it may cause green apple quick steps to you। आपको एडवाइस किया जाता है अगर आपका इम्यून कमजोर है तो आप घर से ले गया हुआ पानी, वो बॉयल हो या वो प्रॉपर आपका वाटर हो जो कि स्टरलाइज किया हुआ है, या फिर दैट इज व्हाट आई कैन से आरओ का पानी है जिसे आप लेके जा रहे हैं उसे आप यूज करें। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो आप कहीं के भी पानी पीने से आपको ये प्रॉब्लम, मतलब डायरिया, इट मींस दैट ग्रीन एप्पल क्विक स्टेप्स हो सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हॉर्स मैन्यूर।
हॉर्स मैन्योर, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मैन्योर मीन्स यू नो जो एक्सक्रीटा होता है, जो हॉर्स एक्सक्रीट आउट करता है उसे हम हॉर्स मैन्योर, उसे हम मैन्योर कहते हैं. ओके, मैन्योर बाद में बनता है एक्चुअली में, बट एक्सक्रीटा ऑफ द हॉर्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि फर्टिलाइजर हो जाता है मैन्योर मीन्स. सो इसे हम कहते हैं इन इंग्लिश. बट बिफोर क्या कहते हैं पहले हम जान ले, हॉर्स मैन्योर, अभी जैसा कि मैंने बोला कि हॉर्स मैन्योर और हॉर्स एक्सक्रीटा मीन्स डिफरेंस क्या है. मीन्स हॉर्स ने कुछ भी एक्सक्रीट आउट किया, जैसे बाकी एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं, जब उसे डंप करके बहुत लंबे समय के लिए रख दिया जाता है और फिर हम उसे अपने फील्ड में यूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो वो क्या हो जाता है, मैन्योर हो जाता है. और उसे हम कहते हैं रोड एप्पल, वी यूज टू से रोड, रोड एप्पल. ओके, आई वेंट टू स्ट्रीट नंबर 9 एंड आई फाउंड रोड एप्पल ओवर देयर एवरीवेयर. मैं स्ट्रीट नंबर 9 पे गई और मुझे वहां पे रोड एप्पल हर जगह मिला. ओके, हर जगह मिला. विच रियली स्मेल फाउल, जिसकी जो दुर्गंध थी, जिसका जो ऑर्डर था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, गंदा था. बट इट इज वेरी यूजफुल. ओके, दिस वॉज जस्ट अ सेंटेंस. ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड टूडे ऑल 10 idioms which I had brought for you, which were based on apple. Hope so that whatever we are working over here, that will not going to rain. You all are going to value all these things and you all are going to study. And every day I know you are preparing your notes and going through that notes, not by just Argus eyes, but you are really catching all those things in your heart and in your mind. And you are going to replace all the common words from your dictionary and you are going to using these expressions to inbuilt your language once again. So I will come with the second part of the apples and some more idioms and many more informative things. But for that you will have to like, share and subscribe the channel, and you will have to press the bell icon also to get the notification in time. Till then, bye bye. See you in the next video. Thank you very much.